और मैंने क्या देखा है, एक चीज देखी है मैंने, अब क्लोजली देखिए कि बहुत सारे जो रुकिया करने वाले हैं ना, बहुत सारे रुकिया करने वाले, उनके पास जब कोई पेशेंट जाता है बोलते हैं कि तुम्हें बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, हाँ बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, लेकिन डरो मत मैं हूं। हाँ देखिए, जब विलेन खतरनाक हो तो हीरो और अच्छा लगता है। हाँ तो वो लोग जो डराते ना पेशेंट्स को, कि कोई अच्छा खासा आदमी भी जाए तो उसको भी पेशेंट बना देते हैं। और ऐसे रुकिया सेशंस होते हैं कुछ जगहों पर, वहां पे कोई एक राखी पड़ रहा है और कई लोगों को कुछ हो रहा है, तो आदमी को देख के लगता है सबको इतना कुछ हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे भी कुछ होना चाहिए। हाँ तो वो माहौल में लोग बह जाते हैं। तो हालांकि इससे बेहतर ये है कि आदमी इंडिविजुअल तौर पर पढ़े, इंडिविजुअल तौर पर करें, और खुद जितना कर लेंगे उतना अच्छा। इसकी एक हदीस है, हदीस क्या है कि 70,000 लोग इस उम्मत के ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत जाएंगे। हाँ बगैर हिसाब किताब के, यानी कि उतना पावरफुल उनका अकाउंट है, इनके तो जन्नत है, जाओ तुम लोग, तुम्हारा क्या चेक करेंगे। 70,000 उनकी जो क्वालिटीज बताई है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनमें से एक है कि ला यस्तरकून, वो लोग रुकिया तलब नहीं करते, मेरा रुकिया कर दो, मेरे लिए रुकिया कर दो, रुकिया तलब नहीं करते, मेरे लिए कर दो रुकिया, ये चीज नहीं करते, ये उनकी क्वालिटी है, यानी हायर लेवल की क्वालिटी बताई गई कि हायर लेवल के लोग ऐसे होते हैं, ताकि आदमी वो चीज सीखे वैसा बनने की कोशिश करे। लेकिन लाजिम नहीं है, कर सकते हैं, मांग सकते हैं, परेशान हो तो भाई थोड़ा रुकिया पढ़ दो बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, ज्यादा बेटर है कि नहीं करो, मतलब खुद ही कर लो ना जो करना है, बेटर ये। और ये सब चीजों के चीज से बच जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉडुलेंट होते हैं इसमें, बहुत से लोगों को क्या क्या चाहिए होता है, मैं नहीं कह रहा हूं सब ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं गड़बड़, वो निशानियों से पहचान सकते हैं हालांकि उनको,